तो ये वाली जो मध्य कुड़क बैठी है ना, इसको हम ना बाहर छोड़ देते हैं। ये उठा लिया क्योंकि इसको ना, ये देखें, एक तो ये थोड़ी कमज़ोर है और दूसरा इसका जो पार है ना, ये देखें ज़रा, ये कुरीज पे आई हुई है, तो इसको छोड़ देना इधर बाहर बेहतर है। इसको उधर नहीं बिठाना चाहिए कुड़क पे। तो दोस्तों मोबाइल मेरे हाथ से गिर गया था, तो ये दोस्तों मैं इसके बारे में बता रहा था। ये देखें माशाल्लाह अच्छी मादी है, और ये है जी कौन सी ब्रीड है, ये कंधारी ब्रीड है, ठीक है। इसको हम खेलने के लिए बाहर छोड़ दिया हमने, इसको अंडों में भी नहीं, हमने अभी नहीं बिठाया। इसको बिठाएंगे, ज़रूर बिठाएंगे, लेकिन सर्दियों में बिठाएंगे क्योंकि ये बहुत कमज़ोर है। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है मेरे सब दोस्तों भाइयों का, उम्मीद करता हूँ कि आप सब भाई खराफियत से होंगे और आप दोस्तों का शौक भी माशाल्लाह बेहतरीन चल रहा होगा। तो दोस्तों अब काफ़ी दिन हो गया हमने वीडियो नहीं थी बनाई, तो आज फिर दोबारा ये सिलसिला वीडियो का हमने शुरू कर दिया। तो ये जी सबसे पहले तो पट्ठे पट्ठियाँ इनका शौक करें माशाल्लाह। ये सारे माशाल्लाह कंधारी हैं, ये चेक करें ज़रा, इसकी नोक चेक करें, नलियाँ जो हैं चौरस नलियाँ इनकी, ठीक है, सबकी डबल नोक है। ये पट्ठा है ये वाला, ये लंबी चोंच वाला, और इसकी देखें ज़रा नलियाँ देखें, माशाल्लाह चौरस नलियाँ इसके, ये देखें, ये माशाल्लाह बड़ा आउट क्लास पट्ठा निकलेगा इंशाल्लाह ताला। और ये जो है ये जी पट्ठी है और चौरस नली में है, ठीक है। और इसका फेस भी चेक करें ज़रा, माशाल्लाह अच्छा फेस है। ये इसकी आवाज़ आ रही। अच्छा दोस्तों हमारी ना एक मादी जो है ना, ये वाली ये हो गई है, तो इसके नीचे ना तीन अंडे पड़े हुए हैं, ये देखो, ठीक है। तो बाकी अंडे जो है ना वो हम इसको ला के देते हैं और इसके नीचे रख देते हैं। तो पहले अंडे लेके आते हैं। अच्छा उससे भी पहले दोस्तों आपको ये बताना है कि ये हमने ना एयर कूलर फिट किया यहाँ पे, ठीक है, और इधर से हवा जाती है उस साइड पे, यानी मुर्गियों वाले कमरे में। और ये 12 वोल्ट का हमने ये लेके आए हैं, 12 वोल्ट की सप्लाई, इसके ऊपर हमने 12 वोल्ट का लगाया हुआ है, ठीक है। ख़र्चा भी इसका कम आता है और इससे जो है मुर्गियों का कमरा ना वो भी हवादार रहता है। तो दोस्तों ये यहाँ पे ना मैंने अंडे रखे हुए थे, तो ये अंडे पकड़ के तो अब हम जाके ना तो मुर्गी के नीचे रख देते हैं। और ये सारे ही माशाल्लाह हीरा के एग्स हैं, ठीक है, तो इधर आ जाते हैं अब। ये कैसे बाहर आ गया, चलो इसको थोड़ी देर मछली में खेलने देते हैं, और ऐसा करते हैं तब तक हम ना इस मुर्गी के नीचे ना अंडे रख देते हैं। सब्र करो, शोर क्यों कर रही है, तुमसे कुछ ले नहीं रहा, तुम्हें कुछ दे ही रहे हैं। ये तो बहुत मारती है भाई, बहुत। ये लो अंडे तो हमने रख ही दिए, ज़बरदस्ती ही चाहे रखे लेकिन रख दिए हमने। ये तो दोस्तों बहुत ज़्यादा मारती है, ये देखिए ज़रा, हमने अंडे रख दिया, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से ये जो लड़का, ये मुर्गा जो है ये इसको मारना शुरू कर देता है। इससे पहले कि ये अपनी चूँच तोड़े, इसको जाली को मार मार के इसको हमने अंदर कर दिया, ठीक है, इनको भी कर देते हैं बंद। और टोटल हमने दोस्तों 10 अंडे रखे हैं। दोस्तों ये वाला जो पट्ठी है ना, पट्ठा है, ये पट्ठी है शायद, ये पट्ठा है, तो इसको ये देखें बहुत ही बुरी तरह मुर्गियों ने मारा है, ठीक है, और बेचारा जो है छुप के बैठा हुआ था किसी कोने में, तो मैंने इसे पकड़ के तो फिर इसको बेचारे को ना इधर रखा है इस चूजे के साथ, इसके साथ। इसलिए भी देखें माशाल्लाह, इसको भी हमने ना आज इसकी माँ से अलहदा कर दिया, और इसका कद काट देखें माशाल्लाह, इसका कद काट सही जा रहा है, ज़बरदस्त जा रहा है, और ये माशाल्लाह वाइट नोक नली में निकल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसको बंद कर देते हैं, कल छोड़ेंगे, अभी इधर ही रो दो। तो दोस्तों ये वाली उसकी माँ है चूज़े की, इसको हमने इस मुर्गे के साथ आज लगा दिया, ठीक है। हमारी टोटल 4 मुर्गियाँ जो है ना वो कुड़क हुई हुई हैं, वो आपको दिखाते हैं। एक नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे वो वाली है, तीसरे नंबर पे वो जो आपने देखी है, ठीक है।
ठीक है, और चौथे नंबर पे ना एक वो बैठी हुई है, लेकिन इसके नीचे हमने अंडे नहीं रखे हुए, वो कुड़ीस पे भी है इसलिए हमने उसके नीचे ना अंडे नहीं रखे हुए, वो वैसे कुड़क खुली हुई है ये वाली। खोल के आपको दिखा देते हैं, ये देखें दोस्तों, ये जो है ना ये कुड़क कुड़क हुई हुई है, लेकिन एक आधा और अंडा देगी अभी। तो दोस्तों चेंज कर लें अभी, ये जो मिट्टी है इसको काफ़ी ज़्यादा ऊपर ले आएंगे हम इतना इतना, ठीक है, और इसको थोड़ा सा ना बंद कर देंगे। मेरे कहने का मतलब है कि जो इतना बड़ा हमने ये मैदान सा बनाया है, इस मैदान को हम कर देंगे छोटा, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ रैबिट्स, ठीक है, ये देखें, ये हमने ना इनकी जगह जो है ना वो गीली कर दी थी, ठीक है, और ये जगह गीली करने के बाद ना ये माशाल्लाह बड़े आराम से बैठे हुए हैं, बड़े खुश हैं, ये देखें, ये देखें माशाल्लाह। तो ये था दोस्तों आज का हैंड्स व्लॉग, तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो कल एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे और आपको नई नई चीज़ों का शौक भी इंशाल्लाह ताला करवाएंगे, और जो हमारे पट्ठे पट्ठियाँ हमारे पास हैं उनका भी इंशाल्लाह ताला शौक करवाएंगे। तो ठीक है जी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।